बाहर आ। ये टिकट रखो, बस की है, सुमति के घर उतार देगी। तुम गई नहीं, बस जा चुकी है, चलो। जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। बस जा चुकी है, that was the last bus। भानु बहस मत करो, चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी, तुम्हारे साथ नहीं जाना। भानु चलो। वरुण छोड़ो। Wait, there seems to be a problem. Over. भानु ये लोग हैरेसमेंट का केस बनाकर मुझे जेल में डाल देंगे, प्लीज डोंट क्रिएट अ सीन। रो क्यों रही हो तुम? भानु व्हाई यू क्राइंग? तुम्हें जेल में डाल देना चाहिए। भानु प्लीज। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मैं अपने घर से इतनी दूर आई हूँ, थोड़ी भी केयर नहीं कर सकते? तुम क्यों इतने गुस्सा हो? क्योंकि मैंने ना कह दिया, उसका बदला ले रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, ये कोई बदला नहीं है भानु, ये तो तुम्हारा हक है। प्रॉब्लम तो मेरी ही है, इसीलिए तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी काम में बिजी रहना चाहता हूँ या फिर किसी के प्यार में पड़ जाना चाहता हूँ, बट नथिंग सीम्स टू वर्क, ना मेंटली ना फिजिकली। मेरे ट्रायल्स चल रहे थे और तुम वापस आ गई, बताओ मेरा क्या हाल होगा? ये सब बेकार है। तुम जानती हो मैं तुम्हारी आंखों में क्यों नहीं देखता? उससे मेरा प्यार जाग जाता है। तुम्हारा वो गांव, वो खेत, वो ट्रैक्टर और तुम, वो सब कुछ मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत बहुत। फिर भी हम दोस्त तो रह सकते हैं ना? नहीं रह सकते क्या? तुमने सब भुला दिया है, खुश लग रही हो। मैं भी सब भुला दूंगा भानु, आई विल बी फाइन, आई विल गेट ओवर इट, लेट्स बी फ्रेंड्स नो। भानु ओके ओके। भानु तुमने मुझे अपना गांव दिखाया था ना, मैं तुम्हें अपना शहर दिखाता हूँ, चलोगी? ओके। जीजा जी के भाई वरुण। हाय, हाउ वाज योर ट्रिप? हाय, हम वरुण। अरे वो फोटो देखा ना? ये देखिए। तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही, तुम चलोगी? हाय वरुण। हाय सेलू। आज अचानक कैसे? कॉलेज जा रहा हूँ। कॉलेज? यहाँ? जस्ट किडिंग। वेंकी कहाँ है? वेंकी। हे वेंकी, कैसा है तू? हाउ आर यू मैन? लॉन्ग टाइम यार। या लॉन्ग टाइम। भानु ये वेंकी। ओह भानु, हमारी शादी भी तुम्हारी दीदी की शादी की वजह से हो पाई। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। शादी की वजह से नहीं, कंपार्टमेंट की वजह से।
अरे हाँ, ट्रेन में सैलू की और मेरी जो बात हुई थी ना कंपार्टमेंट में, उसी के बाद हमने प्लान बनाया था और वो प्लान काम कर गया है ना। बिल्कुल, भूल गया तू वेंकी। अरे इतनी अच्छी साड़ी पहन ली तुमने, कहीं जा रही हो क्या? सिर्फ यही बची थी, बाकी सब पहनी हुई है। भानु तुम ऊपर सो जाओ, मैं यहीं सो जाऊंगा। मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ बात करो ना। कुछ पूछता हूँ, बुरा मत मानना। सॉरी, थैंक यू, ऐसे वर्ड्स तुम्हारी डिक्शनरी में है ही नहीं ना? होते हैं, पर सामने कौन है डिपेंड करता है। तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो ना? डॉक्टर्स में बड़ा या छोटा नहीं होता, सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। मेरी माँ की इच्छा थी, इसीलिए तो इतना सीरियसली पढ़ रहा हूँ। तुम इंडिया में हॉस्पिटल खोलोगे? मुझे अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल चुका है, बस अब जॉइन करने के लिए रुका। मुझे न्यूरोसर्जन बनना है। ये वाला डॉक्टर? मानू कहाँ जा रही हो? ए भानु, यहाँ जो भी मांगते हैं ना पूरा हो जाता है, मतलब लवर्स के लिए है, लेकिन तुम ट्राई कर सकती हो। बस इतना चाहता हूं कि भानु हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास। That's all I wish for। अगर ये मेरी दुनिया में आ जाए, अगर मैं एक पल और यहाँ रुकी तो हमेशा के लिए शायद यहीं रह जाऊंगी। हे भगवान, मुझे जल्दी से वापस भेज दो। क्या मांगा तुमने? तुमने थैंक्स। कांग्रेचुलेशंस, थैंक्स यार, एमओयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। थैंक्स गाइस, एमओयू। तुम जा रहे हो? सिर्फ 3 महीने और हैं। रुक जाओ ना, अभी नहीं गई तो कभी नहीं जा पाऊंगी। तुम उसे चाहती हो ना, फिर इतना नहीं कर सकती। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मैं इस तरह नहीं रह सकती उसके साथ। वरुण से क्यों नहीं पूछती? तुमने कहा था ना राजू से पूछने के लिए। क्या मैं पूछूं? वरुण आता भी है तो पूरे मन से नहीं होगा, अधूरा ही होगा। वो बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है यहाँ। क्या हम प्यार में कोई शर्त रख सकते हैं? I
बुजी, क्या हुआ बुजी? I'm sad. ऐसा क्या हो गया? उदास क्यों? I don't want Bhanu Didi to leave. You can make a stay. No. You could. नहीं बुजी. Yes, you could. I could, maybe if I leave you. वो रुक जाएगी, पर मैं चला जाऊंगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना भानु, सबका ख्याल रखिएगा। जा रही हो? ख्याल रखना भानु दीदी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। थैंक यू। वरुण। थैंक यू भानु। बहुत बुरा लग रहा है भानु, जैसे जिंदगी दूर जा रही हो। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ही स्पेशल। फिदा। मैंने देख लिया है, ख्याल रखना। ऐसा कुछ नहीं है। भानु, कहती हो ना प्रार्थना करो तो हो जाएगा, मैं ट्राई करूं? रुक जाओ भानु, यही मेरी प्रार्थना है। चलो भानु, वक्त हो गया। भानु, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास ठीक से रखना। Thanks, Bhanu, for everything. वरुण बेटा, अचानक कैसे आया? नहीं चला है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ये बैग मुझे दे दो। अब नहीं, नहीं कोई बात नहीं। क्या मैं एक बार भानु से बात कर सकता हूँ? भानु से? ठीक है, बात कर लो। पापा। रेनू बेटा, वरुण यहाँ आया है, बात क्या है? वरुण भानु से प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। क्यों आए हो यहाँ? तुमने एयरपोर्ट पे मुझे गले क्यों लगाया?
पलट कर वापस आकर गले लगाने का क्या मतलब था? ये क्या है? उसे पसंद नहीं करती, प्यार मुझसे करती हो, तो शादी क्यों कर रही हो उससे? क्यों भानु, बताओ। ओ, भूल गया था, तुम भानुमती हो, वन पीस। 100 बार तुमसे कहा, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें पसंद करता हूं, हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, याद रखना। शादी तो हो जाएगी, उसके बाद सोचोगे भी ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक से सोच लो। भानु, तुम कहोगे ना तो चला जाऊंगा, तुम किसी से शादी कर लो तो भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारा खुश रहना जरूरी है। तुम खुश नहीं हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, उस हाल में जी नहीं पाऊंगा। मुझसे झूठ कहोगी तो चलेगा, अपने आप से झूठ मत कहना भानु। बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? पापा। बेटा, एक बात कहूं तुमसे? क्या हुआ पापा? तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जिसे तुम दिल से प्यार करती हो। तुम मेरी पसंद से सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी क्योंकि वो लड़का पड़ोस में रहता है और तुम मेरी देखभाल कर सकती हो। तुम्हारे दिल में कोई और हो और शादी तुम मुझसे कर रही हो जिसे तुम प्यार नहीं करती हो, वो भी मेरे लिए, ये मैं सह नहीं सकता। मैं क्या कोई बाप नहीं सह सकता? यहां रहकर क्या वाकई तुम खुश रहोगी? मुझे कैसा लगेगा अगर सब कुछ पता होने के बाद भी तुम वरुण से शादी नहीं करोगी? मेरी बात मान लो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, वरुण से शादी कर लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। तुम शादी करोगी ना, मेरी बच्ची जरूर मेरी बात मानेगी। उदास क्यों हूं? मैंने कितना कुछ सोचा पर हुआ कुछ अलग। ऐसा ही होता है, हमारी दुनिया में चमत्कार कब होंगे? तुम सही हो, एक जगह पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर शादी करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, चाहे मैं हूं या तुम। ए, ये क्या कर रही है? इसे मत रख, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा राजकुमार यहाँ आया जरूर है, पर वो तुम्हें लेकर कहीं नहीं जा रहा। वो तुम्हारी दुनिया में रहने आया है, वो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, समझी? वो यही रहने वाला सच है। सच में? हाँ सच में। तुमने प्रार्थना की और वो तुम्हें मिल गया। भानु, तुम रो क्यों रही हो? उठाओ। हे, अरे भानु, क्या ये सच है कि तुम मेरे लिए आए हो? तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। मैं समझ नहीं पाई, परेशान किया ना। I'm sorry। इतनी सी बात के लिए इतना रो रही हो?
बस एक बार बोल देती काफी था। मेरी दुनिया और कुछ नहीं, जहां तुम वही मेरी दुनिया। तुम मेरी वन पीस हो। मैं क्या वन पीस हूँ, तुम हो वन पीस, मेरे वन पीस, मेरे पति। सीधा अब चले।